मुझे पहले भी सीरियसली लिया गया था, बट द थिंग इज ऑफर्स जो आ रहे थे इंडस्ट्री से, वो सिर्फ गाने के, क्योंकि इंडस्ट्री को मैं भी मैं ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ एक गाना किया था तब और प्रूव करने लायक कुछ था नहीं। और शायद इंडस्ट्री का तरीका यही है कि जब तक आप स्क्रीन में, बिग स्क्रीन में ना देखें, एक भी सीन हो या तो हाफ भी सीन हो, वो बोलते हुए नज़र नहीं आए तो वो एक्ट्रेस टैग मिलता नहीं है। सो आई वॉज़ वेरी श्योर ऑफ इट कि मैं दूसरा गाना और एक गाना करूँगी तो वो कभी होगा ही नहीं। सो आई वेटेड, आई वॉज ऑफर्ड मैनी मैनी सॉन्ग्स आफ्टर रोड, सो आई डिडंट वॉन्ट टू डू इट सो दैट आई कैन कम बैक एज एन एक्टर। सो आई वेटेड फॉर अ ईयर। मॉडलिंग करियर के लिए भी 3 साल काफ़ी नहीं होता है, सो आई थिंक 3 इयर्स टाइम आई हैव डन क्वाइट वेल, नॉट टू बैड। हिट और फ्लॉप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मुझे सिर्फ इस चीज़ से इस चीज़ की ज़रूरत कि काम दिखना चाहिए, हैव टू बी सीन एंड हैव टू बी अ पार्ट ऑफ गुड गुड फिल्म, गुड प्रोजेक्ट। सो संजय गुप्ता, संजय दत्त मेरे प्रोड्यूसर्स, मुसाफिर ऑलरेडी सॉन्ग्स आर हिट एंड सॉन्ग्स आर डूइंग वेरी वेल, और काफ़ी क्यूरियोसिटी है लोगों की एंड दे आर लाइकिंग द प्रोमोस। तो एंड डेफिनेटली इंसान इज़ अनदर मल्टी स्टारर, तो हिट या फ्लॉप से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क, वर्क विद गुड एक्टर्स, गुड डायरेक्टर्स। सो 2005 डेफिनेटली आई साइन प्रोजेक्ट्स विद गुड डायरेक्टर्स, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम देम। ये काफ़ी जल्दबाजी होगी अगर मैं अभी बताऊँ कि मुझे हीरोइन ओरिएंटेड स्क्रिप्ट चाहिए और ऐसे स्क्रिप्ट चाहिए, वैसे स्क्रिप्ट चाहिए। ऑलरेडी इंडस्ट्री ने एक कैटेगरी में डाल दिया है और वो देते हैं, क्योंकि मैं मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस हूँ, तो एक कैटेगरी में आ जाते हैं ग्लैमरस, हॉट, सिर्फ उसी तरीके का रोल इंसान में जो है, ये इट्स अ गुड चेंज, बिकॉज आई एम प्लेइंग टुडेज वाइफ एट द सेम टाइम यू सी द गेटअप, आई हैव a girl next door look and very bubbly, very nice character to play. So I want to experiment, I want to learn. So mujhe, main sirf ye nahi dekh rahi hu ki ye do picture back to back release hogi, kaun sa hit kaun sa flop, do picture flop ho jaye mujhe farak nahi padta।